ठीक है सर, ओके। देखिए राजस्थान में मेरे आने से वसुंधरा राजे सरकार किस हद तक बौखला उठी है उसका ये एग्जाम्पल है। आज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन, उनके मूल्य, उनके आदर्श, उनकी फिलोसॉफी और हमारे देश के संविधान, इस मुद्दे पे मैं बात रखने के लिए पब्लिक मीटिंग में जा रहा था तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी ने एक लेटर इश्यू किया है कि जिग्नेश मेवाणी की वहां पर एंट्री न की जाए। न केवल उतरा, फिर वहां से मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, जयपुर एयरपोर्ट से, तो पुलिस के सारे काफिले ने मुझे घेर के रखा है। मैंने पूछा आप कौन से कानून के तहत मेरी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनका उसके पास कोई जवाब नहीं, लिखित में भी उनके पास कुछ नहीं है। तो जयपुर में, राजस्थान में कहीं पर भी मैं न घूमूं, उस प्रकार का एक माहौल बना के उन्होंने रखा है। मेरी एंट्री को पूरे राजस्थान में उन्होंने रोक के रखा है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली, गैरकानूनी तौर पे। तो सवाल ये उठता है, एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बाबा साहब के स्टेच्यूज को पिंजरे में कैद करती है, और यहाँ हम जैसे लोग जो बाबा साहब, उनके मूल्य क्या थे, हमारे देश का संविधान क्या कहते, इसके ऊपर बात करने के लिए मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ तो वहां पर भी मेरी एंट्री रोक देते हैं, पूरे राजस्थान के अंदर भी मेरी एंट्री रोक रहे हैं। तो ये जो पुलिस का और प्रशासन का रवैया है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि मेरे आने के चलते राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार हिल गई है, बौखला उठी है। ये उनका संपूर्ण अनकॉन्स्टिट्यूशनल रवैया है जो किसी कीमत पर नहीं चलेगा।